हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो 8th क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक। विद्या और प्रताप पिकनिक के लिए गए। दियर मदर गेव देम अ वाटर बॉटल, उनकी मदर ने उन्हें एक वाटर बॉटल दी। दैट कंटेन्ड 5 लीटर्स ऑफ वाटर, और उस बोतल में 5 लीटर पानी था। विद्या कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ द वाटर, तो जितना भी पानी उस बोतल में था यानी कि 5 लीटर, विद्या ने उस पानी का 2/5 कंज्यूम कर लिया यानी कि पी लिया। तो जो विद्या का शेयर है स्टूडेंट्स, वो हमें फ्रैक्शन में गिवन है, ठीक है। प्रताप कंज्यूम्ड द रिमेनिंग वाटर, बचा हुआ पानी प्रताप ने पी लिया। अब इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स गिवन है स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट है हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, विद्या ने कितना पानी पिया। अब देखिए, विद्या ने कितना पानी पिया ये फ्रैक्शन में तो हमें गिवन है कि विद्या ने टोटल पानी का 2/5 पार्ट पी लिया, लेकिन अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि विद्या ने जो पानी पिया लीटर के हिसाब से कितना, यानी टोटल पानी अगर 5 लीटर था तो उसमें से कितना लीटर पानी विद्या ने पिया। सेकेंड पार्ट है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, और उसके बाद हमें ये बताना है कि प्रताप ने कितना पानी पिया, और प्रताप ने कितना पानी पिया वो हमें फ्रैक्शन में निकालना है। यानी विद्या ने कितना पानी पिया ये हम लीटर में निकालेंगे, और प्रताप ने कितना पानी पिया ये हम फ्रैक्शन में निकालेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमने लिखा टोटल वाटर इज इक्वल टू 5 लीटर्स। टोटल हमें कितना वाटर गिवन है, 5 लीटर गिवन है बॉटल के अंदर। अब फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट में हमें यह निकालना है कि विद्या ने कितना पानी पिया। तो हमने यहां पर लिखा वाटर कंज्यूम्ड बाय विद्या, यानी विद्या के द्वारा कितना पानी पिया गया इज इक्वल टू 2/5 ऑफ 5 लीटर्स। देखिए क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया था विद्या ने टोटल पानी यानी 5 लीटर का 2/5 पार्ट पिया है, तो 2/5 ऑफ 5 लीटर। अब ऑफ का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 2/5 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 5। अब हम 5 लीटर का 2/5 पार्ट निकालेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि विद्या ने कितना लीटर पानी पिया। अब देखिए ये 5 न्यूमरेटर में है और ये 5 डिनोमिनेटर में है, ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 1 द 5, 5 1 द 5। अब देखिए 2 × 1 यानी कि 2, तो विद्या ने कितना पानी पिया, विद्या ने पिया है स्टूडेंट्स 2 लीटर्स पानी, ठीक है। और विद्या ने जितना पानी पिया वो हमें लीटर में ही फाइंड आउट करना था, तो एक आंसर हमारा आ गया है कि विद्या ने 2 लीटर पानी पिया है टोटल 5 लीटर पानी में से। अब इसके बाद सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, यानी प्रताप ने कितना पानी पिया हमें वो फ्रैक्शन में निकाल कर बताना है। तो हम इस पार्ट को सोल्व करेंगे। फ्रैक्शन ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाय प्रताप, प्रताप ने जितना पानी पिया वो हम फ्रैक्शन में फाइंड आउट कर रहे हैं, इज इक्वल टू, देखिए 1 बॉटल थी पूरी तो 1 टोटल यानी कि 1, क्योंकि 1 बॉटल में से 2/5 पार्ट तो विद्या ने पी लिया है, तो टोटल हमने यहां पर 1 लिया, उसमें से माइनस किया वो फ्रैक्शन जो कि विद्या ने पी लिया है। यहां पर 1 का मतलब है टोटल, ठीक है, और एक ही बोतल थी तो वो 1 है, माइनस विद्या ने जो पानी पिया वो फ्रैक्शन में हमें गिवन था 2/5 पार्ट, उस 1 बोतल का विद्या ने पिया है, तो 1 में से माइनस करेंगे 2/5, और यहां पर हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा फ्रैक्शन में वो आंसर आएगा जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि प्रताप ने कितना पानी पिया है। अब देखिए ये फ्रैक्शन में नंबर है, और फ्रैक्शन जब प्लस या माइनस होते हैं तो हमें एलसीएम लेना होता है। अब ये 1 अकेला नहीं है, 1 के नीचे कुछ नहीं होता, 1 होता है, तो 1 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 5। अब देखिए यहां पर इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब यहां पर 1 है, तो 1 और 5 का एलसीएम 5 आया। अब इस एलसीएम यानी 5 को इस 1 से डिवाइड कीजिए जो यहाँ डिनोमिनेटर में है, तो 5 को 1 से डिवाइड करेंगे 5 बचेगा, उस 5 को मल्टीप्लाई कीजिए इस न्यूमरेटर यानी 1 से, तो 5 × 1, देखिए यहाँ पर 5 आ जाएगा, माइनस का साइन एज इट इज। अब इस 5 को डिवाइड कीजिए इस डिनोमिनेटर यानी 5 से, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, उस 1 को मल्टीप्लाई कीजिए इस न्यूमरेटर 2 से, 1 × 2 करेंगे 2 आएगा, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 बचेगा, और अपॉन में क्या है 5। तो प्रताप ने जो पानी पिया है स्टूडेंट्स वो फ्रैक्शन में कितना आ गया है, 3/5। तो अब हम यहां पर कह सकते हैं
कि विद्या ने जो पानी पिया है फ्रैक्शन में वो है 2/5, यानी जितना पानी था विद्या ने उसका 2/5 पार्ट पी लिया, और बाकी जो बचा हुआ 3/5 पार्ट है वो प्रताप ने पिया है। तो इस तरीके से जो विद्या वाला आंसर था वो हमने 2 लीटर्स यहाँ पर फाइंड आउट किया, और प्रताप ने जो पानी पिया है वो हमने यहाँ पर फ्रैक्शन में फाइंड आउट किया है। प्रताप ने पानी पिया है 3/5, और जितना भी पानी था उसका 3/5 पार्ट प्रताप ने पिया है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।